Assalamu alaikum everyone. I'm sure that you all are fine and doing great. Acha. first of all, I would like to say welcome to Ease English. Ease English is the name of my channel, and this this channel has just been created by me. And uh, I would like to say that ये channel मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको ऐसा लगता है कि English बोलना बहुत ही मुश्किल है. ऐसा नहीं होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स uh, हमें ऐसे नहीं मिलते जिनसे हम कभी कुछ डिस्कस करना चाहें अपने दिमाग में जितने भी हमारी कन्फ्यूजनज हैं उसे हम सॉल्व करना चाहें तो हम उन्हें सॉल्व कर सकें कभी कभी हमारे टीचर्स हमें डीमोटिवेट कर देते हैं इन नॉट इन इंग्लिश बट येस इन मैथमेटिक्स मैंने अपना uh, मैंने मैथमेटिक्स को आगे परस्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे मैथ्स के टीचर जो मैट्रिक में थे वो बहुत अच्छे नहीं थे बहुत अच्छे इन देंस के ही यूज़ टू टीच इन गुड वे बट वेनवर जब भी हम उनसे कोई क्वेश्चन करते थे तो वो हमें डांट के बिठा देते थे तो अक्सर ऐसा होता है कि टीचर के इस बिहेवियर की वजह से हमें वो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगने लग जाता है और एज ए रिज़ल्ट हम उस सब्जेक्ट से भागना शुरू कर देते हैं हमारे जहन में ये एक खौफ बैठ जाता है कि नहीं ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है मैं इसे आगे ले नहीं चल सकता या मैं से मज़ीद यानी आफ्टर इंटरमीडिएट और आफ्टर मैट्रिक मैं इसे आगे ले नहीं चल पाऊँगी तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है बहुत सारे टीचर्स दे नो हाउ टू टीच टीचर्स को पढ़ाना तो आता है टीचर्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करने नहीं आते और ये चीज़ मैंने अपने टीचिंग uh, करियर में बहुत बार देखी है जैसे मैथमेटिक्स है uh, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स में परफेक्ट होते हैं लेकिन सिर्फ सॉल्व करने में उन्हें समझाना नहीं आता इसी तरह हर लैंग्वेज और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो वो आ, क्या होता है कि टीचर इज़ परफेक्ट बट वो डिफ़ाइन करने में फ़ेल हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है आ, कभी कभी वेल well, मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि वो ये चैनल इस चैनल के तवसत से वो लोग इंग्लिश सीख सकें जिन्होंने जिनके दिल में ये शौक़ है या जिनको ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की लेकिन उनको ऐसे टीचर्स नहीं मिल पा रहे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ब्रिलियंट टीचर हूँ इंग्लिश की लेकिन यस मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं इंग्लिश को इंट्रोडक्शन से लेकर उसके एडवांस लेवल तक जितनी भी चीज़ें हैं मैं उसको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स के कहने पर मैंने ये चैनल बनाया है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और उन्होंने मुझे इसलिए कहा कि उनके मुताबिक मेरा जो समझाने का अंदाज है वो ऐसा है कि हर कोई एक ऐसा बंदा जिसने दस साल पहले भी पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी अगर वो भी सीखना चाहे तो वो सीख सकेगा यही मेरा मकसद है अर्निंग इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी कीप इट इन योर माइंड एंड दिस इज़ इन माई माइंड ऑल्सो अर्निंग इज़ नॉट नेसेसरी अर्निंग ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजी सीखनी है अपने शौक़ की वजह से अपने अपने ज़रूरत की वजह से तो वो अंग्रेजी सीख सकें सो वेल वन्स अगेन आई वुड लाइक टू से वेलकम टू ईज इंग्लिश ठीक है एंड आफ्टर डेड देखिए कोई भी जबान है उसके बेसिक्स जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हम उस जबान को समझ नहीं सकते ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर आ, हम कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं अगर उसके पिलर्स मजबूत नहीं होंगे अगर हम अंडरग्राउंडली उसका काम अच्छा नहीं करेंगे या करवाएंगे, तो वो उसकी जो साख है ना बड़ी कमज़ोर होगी उससे क्या होगा कि कोई भी वैदर चेंजेज़ आते हैं तो वो बिल्डिंग जो है गिरना शुरू हो जाएगी या इट विल इट स्टार्ट गेटिंग क्लेप्स तो किसी भी चीज़ की बेसिक बहुत ज़रूरी है लर्न करना लैंग्वेज कोई भी हो आयता इट इज़ पर्शियन और पश्तो और इंग्लिश और चाइनीज़ और जापनीज और जर्मन वट एवर इज़ द लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज है उसकी इंट्रोडक्शन उसका इंट्रोडक्शन उसकी जो बेसिक्स है वो पढ़ना ज़रूरी है मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मिस आई आई एम गुड इन इंग्लिश मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ बट मैं मुझे एकदम से मेरे ध्यान में वो वो कैब नहीं आती लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं तो मेरा सबसे पहला मशवरा यही होता है कि आप बेसिक्स रिवाइज करें जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो हम बोलने में गलती नहीं करते और बेसिक सीखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है अब ऐसा तो नहीं है कोई आपको ये कह दे कि दस दिन में अंग्रेज़ी सीख लेंगे तीस दिन का कोर्स अंग्रेज़ी सीख लेंगे भाई एडमिशन ले लिया भाई अंग्रेज़ी आ जाएगी ऐसा कतान नहीं है एडमिशन लेने से अंग्रेजी नहीं आती मेहनत करने से आती है जो आपको सिखाया जाता है जो आपको पढ़ाया जाता है जिस तरह से जिस टेक्निक से पढ़ाया जाता है उन टेक्निक्स को ज़हन में रखना होता है जहन नशीन करना होता है फिर इंग्लिश आती है इंग्लिश नहीं कोई भी लैंग्वेज चलिए मैं एक ओवरऑल बात करती हूँ ठीक है जैसे वन आई वॉज़ लर्निंग पश्तो तो मैंने पश्तो की पहले बेसिक्स सीखी थी ठीक है और माशाल्लाह हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे इसी तरह Uh, जब मैंने पश्तो की बेसिक सीखी तो मुझे उसके उसके सारे रूल्स पता चले फिर मैंने परसों छोटे थो, 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 थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाना शुरू किए थे इसी तरह जहाँ तक इंग्लिश की बात है इंग्लिश का बेनिफिट वैसे इसलिए है क्योंकि हम ये बचपन से पढ़ रहे हैं अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखेंगे ना उसको तो आप चाहे पूरी ज़िंदगी सीखते रहें आप ये नहीं कह सकते कि मैं उस लैंग्वेज में अब परफेक्ट हो गया हूँ ऐसा नहीं होता ठीक है अब इंग्लिश में भी हम ये नहीं कह सकते स्टिल आई कैन नॉट से डेट आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए कोई तेरह चौदह साल हो गए हैं लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि आए दिन इनोवेशन आती रहती हैं जिद्दत आती रहती है, है चीज़ों में ठीक uh, है इसी तरह इंग्लिश में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी वो अब हैं ऐसी ऐसी वो कैबलरीज़ हैं ऐसे रूल्स हैं ठीक है वल लेट्स कट द टॉपिक शॉर्ट हम आते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हमारे पास पाँच चीज़ें हैं सबसे पहले है अल्फाबेट uh, या लेटर वो क्या होता है ठीक है फिर वर्ड पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है क्लॉज क्या होता है फ़्रेज़ क्या होता है और फिर सेंटेंस क्या होता है इन सब की नोहाओं के बाद हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है अल्फ़ाबेट वॉट इज़ अल्फ़ाबेट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स

B T Y. This is not giving any sense. Neither this is an abbreviation nor this is a word. That's why this is not giving any sense. ना ही ये कोई abbreviation है. Abbreviation कहते हैं किसी भी लव्स के मुखफफ को या full form of anything. जैसे के simple है कराची um, <coughs> university. तो हम कराची university को जो abbreviation है वो है K U. ठीक है के यू पढ़ते हैं के फॉर कराची एंड यू फॉर यूनिवर्सिटी तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ठीक so, है सो बट दीज आर ना दीज आर नाइ दर शॉर्ट फॉर्म्स नॉर एनी वर्ड ना ही ये लेटर्स शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना ही ये वर्ड होते हैं इसलिए हमें कोई सेंस नहीं देते जैसे पी एक्स यू एन आई जी एस एम सी पी वाई ओ पी ओ यू टी आर वाई एन सी ओ आर डब्ल्यू डू आर डब्ल्यू डी ओ ओ एल ओ एच सी एस एन आई ई जी ई आर एन जेड ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रांड का नाम है ऐसा कोई नाम नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं है सो so दीज ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हमें कोई मतलब नहीं देते वो कहलाते हैं अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट्स को लेटर भी कहा जाता है ऑल राइट right. इसके बाद है वर्ड वर्ड क्या होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स डेट गिव्स एन इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड ऐसा ग्रुप ऑफ़ लेटर्स जो हमें इनकम्प्लीट सेंस दे, वो कहलाता है वर्ड अभी हमने अल्फ़ाबेट में क्या पढ़ा था कि ऐसा ग्रुप ऑफ़ लेटर्स जो हमें कोई सेंस नहीं देता लेकिन जो वर्ड होता है वो भी ग्रुप ऑफ़ लेटर्स होता है लेकिन वो हमें सेंस देता है आधा हमें इसके उससे पढ़ के आधा मतलब समझ में आता है इनकम्प्लीट मायने हम उससे ले सकते हैं जैसे स्कूल ठीक है कंट्री देखें इसमें दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ़ लेटर्स ठीक है ये वर्ड भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका मतलब है स्कूल कंट्री मीन्स मुल्क ईजी मीन्स आसान फादर मीन्स वाल ठीक है परचेज यानी कोई चीज़ ख़रीदना दिस इज़ अ वर्ब ठीक है बिजनेस इंटरनेट इंट्रोडक्शन बॉक्स स्टूपिड सजेशन हुए ठीक है अब क्या है कि इस स्कूल से अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्कूल में इट कैन बी द नेम ऑफ एनी स्कूल इट कैन बी अबाउट बिल्डिंग ठीक है school? अगर इस वर्ड स्कूल है से हम इसका नेम इसके नेम पे भी जा सकते हैं इसकी पढ़ाई पे भी जा सकते हैं इसकी लोकेशन पे भी जा सकते हैं इसकी बिल्डिंग कैसी है उस पर भी जा सकते हैं हाउ बिग सॉर्ट ऑफ स्कूल इज़ दिस इस पर भी जा सकते हैं कितना बड़ा स्कूल है पढ़ाई में कैसा है वट एवर कुछ भी हम इसमें मायने ले सकते हैं न इसी इसी हम इसको वर्ड कहते हैं जो हमें आधा मायने दे रहा है अब स्कूल का क्या फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाती हूँ ठीक है स्कूल में बच्चे ब्रेक टाइम में खेलते हैं क्या अब मैं कौन क्या वर्ड क्या सेंटेंस बनाऊँ इट्स अप टू मी मैं इसका कोई भी मतलब निकाल लूँ तो ज, तो ये वर्ड है, आधा है। ले ले ये आधा सेंस दे रहा है आप इसमें से कोई भी वर्ड ले लें आधा सेंस दे रहा है ठीक है सजेशन टू इस तरह तो ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हमें आधा सेंस दे वो कहलाता है वर्ड अब हम पढ़ते हैं क्या फ्रेज नंबर थर्ड इज़ फ्रेस ये सब आपको मालूम होगा और अगर नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ कि पी एच जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में किसी वर्ड में पी एच एक साथ देखेंगे तो उसको आप f की साउंड से प्रोनाउंस करेंगे और इसकी मिसाल एक बहुत आसान सी है कि हमारा तो आपने बचपन पढ़ा होगा e for elephant तो एलिफेंट में पी एच आता है e l e p h a n t आपने कभी भी इसको एलीफेंट नहीं पढ़ा होगा ठीक है तो ये पी एच की साउंड जब भी आती है हम इसको एफ से प्रोनाउंस करते हैं तो ये वर्ड क्या बन गया फ्रेज अब फ्रेज क्या होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आई रिपीट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस डेट मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज ठीक है इट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और नाउन अब फ्रेज कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंस या के ऐसे पार्ट को जो हमें आधा मतलब देता है ठीक है आधा मतलब देता है ये तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है ये हम इसको सेंटेंस का पार्ट भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बल्कि एग्ज़ाम्पल जाने से पहले इसकी मेन चीज़ ये है कि इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट या नाउन नहीं होता ठीक है हाँ इसको हम यहाँ जो मैंने नाउन लिखा है अब आप कहेंगे इसमें तो नाउन है लेकिन ये वो पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है नाउन चूँकि अब हम अगर ऐसा कोई सेंटेंस बोलें जिसमें स्टार्ट में नाउन है तो ये उसकी बात हो रही है ठीक है अब इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता फ्रेज़ का ठीक है ये जो फ्रेज वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता फॉर एग्जाम्पल इन द ऑफिस ठीक है अब इसमें कोई इंसान नहीं है कोई डूअर ऑफ एनी एक्शन नहीं है ठीक है इन द फ्रंट ऑफ अ पार्क कोई पार्क नहीं है और इसमें कोई सब्जेक्ट uh, नहीं है ऑन द वॉल यानी ये ये इसका क्या मतलब है इन द ऑफिस यानी ऑफिस में इन फ्रंट ऑफ अ पार्क यानी किसी पार्क में ऑन द वॉल यानी किसी दीवार पर नियर मार्केट मार्केट के करीब ये ऐसे ये ऐसे मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिखे हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ठीक है और ये हमें आधा मतलब दे रहा है इन द ऑफ़िस क्या कौन कब क्यों कैसे हम कुछ भी इसका मतलब ले सकते हैं ना हम कुछ भी बना सकते हैं तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जो क्या है हमें आधा सेंस दे वो कहलाता है फ्रेज और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता ठीक है और नाउन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि शुरू में अगर नाउन हो फॉर एग्ज़ाम्पल द टेबल ठीक है द टेबल इज़ इन द रूम तो यहाँ पर ये नाउन उस टेबल को कहा गया है नॉट इन द एंड ठीक है सो uh, so, फ्रेज हमने पढ़ लिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें आधा सेंस देता है वो फ्रेज कहलाता है अब आते हैं क्लॉज क्लॉज क्या होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस डेट मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो हमें इनकम्प्लीट सेंस दे वो क्लॉज कहलाता है अभी तो हमने ये फ्रेज में भी पढ़ा है कि फ्रेज़ भी वही ग्रुप ऑफ़ वर्ड्स होता है जो हमें आधा सेंस देता है और क्लॉज भी वही है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि क्लॉज में नाउन और सब्जेक्ट होता है क्लॉज वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस में नाउन या सब्जेक्ट होता है ठीक है अब जैसे है एग्जाम्पल इफ़ शी कम्स टू स्कूल अगर वो स्कूल आती है इसके आगे क्या नहीं मालूम इसके आगे क्या हम कुछ भी लगा सकते हैं ठीक है तो मैंने क्या कहा था कि ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें इनकम्प्लीट सेंस दे, तो वो कहलाता है क्लॉज तो ये हो गया इनकम्प्लीट सेंस और साथ साथ मैंने ये भी कहा कि इसमें सब्जेक्ट या नाउन होता है तो इसमें सब्जेक्ट आ गया शी ठीक है या नाउन अगर हो सकता है हम इफ स्कूल इज़ ओपन हम इस तरह भी कह सकते हैं इफ़ स्कूल इज़ ओपन देन वाट अगर स्कूल खुला है तो आगे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं तो ये वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो हमें आधा सेंस दे रहा है लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता है और फ्रेज क्या था फ्रेज वो पार्ट ऑफ सेंटेंस था जो हमें आधा सेंस देता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट या नाउन नहीं होता ठीक है ये हो गया क्लॉज नाउ द लास्ट थिंग ऑफ आर टूडेज लेक्चर इज सेंटेंस यस सेंटेंस क्या होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स

और इस सेंटेंस में फोर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इस ग्रुप में फोर वर्ड्स हैं ठीक है थीके? इसी तरह दे आर वेस्टिंग देयर टाइम वो अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं तो ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है ठीक है वी लाइक टू वॉच न्यूज़ हमें न्यूज़ देखना पसंद है दिस इज ऑल्सो सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हमें कंप्लीट सेंस दे वो क्या कहलाएगा सेंटेंस कुछ और एग्जांपल्स हैं जिससे मैंने जिसपे मैंने क्लॉज को यूज़ किया ताकि आपको क्लॉज मजीद क्लियर हो जाए अब मैंने कहा था क्लॉज के वो एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो जो हमें आधा सेंस देता है और उसमें सब्जेक्ट भी होता है ठीक है अब देखें ये वाला सेंटेंस इफ़ इट रेन्स द वेदर विल चेंज अगर बारिश होती है तो मौसम तब्दील हो जाएगा मौसम बदल जाएगा अगर बारिश होती है तो मौसम बदल जाएगा अगर मैं इसको हटा दूँ इफ़ इट रेंस को और ठीक है मैंने इसको हटा इफ इट रेंस को रहने देती हूँ और इसको हटा दिया सिर्फ आप इतना पढ़ें इसको इफ़ इट रेंस तो क्या बात समझ में आएगी नो no. अगर बारिश होती है तो वह क्या होगा अगर मैं इसको हटा दूँ द वेदर विल चेंज तब भी बात समझ नहीं आएगी तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके सेंटेंस में अगर दो पार्ट हैं तो एक पार्ट क्लॉज हो और एक पार्ट क्या हो फ्रेज़ uh, हो और ये भी पॉसिबल है कि आपके सेंटेंस में दोनों पार्ट्स क्लॉज हो इट डिपेंड्स कि हम सेंटेंस क्या लिख रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ठीक है ऑल अप सब खड़े हो गए वैन द प्रेजिडेंट केम जब प्रेजिडेंट आए ठीक है जब सदर आए तो सब खड़े हो गए अच्छा अगर मैं इसको ये पार्ट हटा दूँ द द्रेजिडेंट केम ठीक है जब सदर आए तो क्या तो हो गया इनकम्प्लीट सेंस जब इनकम्प्लीट सेंस है और हमारे सेंटेंस में नाउन है देखिए प्रेजिडेंट नाउन आ गया तो हम इसे क्या कहेंगे क्लॉज और अगर मैं ये साथ ऐड कर दूँ ऑल अप सब खड़े हो गए जब प्रेजिडेंट आए तो ये सेंस मुकम्मल हो गया ठीक है तो ये क्या कहलाएगा पूरा सेंटेंस जो कि हमें सेंस दे रहा है सो आई हैव वन मोर टू टू और थ्री मोर एग्जांपल्स दे आर एज बिजी एज वी आर हम इतने मसरूफ़ हैं जितने वो हैं ठीक है सारा डज जॉब वेयर आई डू सारा वहाँ जॉब करती है जहाँ मैं जॉब करती हूँ ठीक है आई डोंट नो इफ़ माई सिस्टर इज़ एट होम और नॉट ठीक है अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ इफ़ माई सिस्टर इज़ एट होम और नॉट अगर मेरी सिस्टर घर पर है या नहीं है तो कुछ सेंस नहीं दे रहा ना आधा सेंस दे रहा है लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया या कह दिया आई डोंट नो मैं नहीं जानती मेरी सिस्टर घर पे है या नहीं है ठीक है सो so, दिस was द लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश कल हम ये पढ़ेंगे कि इस किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास किन चीज़ों की हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें क्या हैं और उनको हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे अपने आने वाले सेंटेंसेस में जब भी हम आगे सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे एक सेंटेंस ये है सारा ठीक है ये डज है ये जॉब वेड़ आई डू अब सारा क्या है ये डज इंग्लिश लैंग्वेज में डस क्या है ठीक है जॉब किस कैटेगरी में फॉल करता है वेयर का मतलब क्या है मत, देखिए मतलब तो समझ में आ रहा है लेकिन ये मैं उस मतलब की बात करें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ऑल राइट सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टूडे आई होप डैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आई एम हेयर टू टॉक अबाउट इट यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच